सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। दबा देना होगा 9 आपको। प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध। मैं आपका स्वागत हूँ सतीश, आपसे किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं? जियो कस्टमर केयर से आप डायरेक्ट कैसे बात कर सकते हैं इस वीडियो में यही सीखेंगे। आपके पास कोई भी फोन हो उसमें जियो की सिम पड़ी है, अब आप जियो कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, एकदम लेटेस्ट और न्यू तरीका है। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको जो यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए मिल रही है उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा और डायरेक्ट कॉल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है, समझनी है, पहले ही कॉल लगाने से पहले ही आपको कब कौन सा बटन प्रेस करना है वो मैं आपको बताऊँगा, यही खेल होता है, ठीक है। तो आपको अपने फ़ोन में डायलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 198 ये नंबर डायल करना है। अब बहुत से व्यूअर ऐसे होंगे ये कहेंगे कि इससे तो नहीं लगता है, ये ऐसा नहीं होता है, तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, 101% में लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जियो के नंबर पे कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, ये तो बोलता ही है, आपको पूरा सुनना होगा इसे, ठीक है। कब कौन सा बटन प्रेस करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समस्या का सामना कर रही है, यह एक अस्थायी समस्या है, ये आपको बोलेगा बोलने देना है। जारी रही 5G सेवाएं सक्रिय है, सर्वोत्तम सेवाओं का अन्य सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट किया हो। जीबी यहाँ पे आपको वर्तमान डाटा बैलेंस बताएगा, कुछ भी आपको सुनना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जीबी दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है, एक दबाएं। अभी यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। पिछले 5 रिचार्ज, ये जो कुछ भी कहता रहे कहने देना है आपको, ठीक है। कुछ भी बटन प्रेस नहीं करना है। जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। अपने आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए 4 दबाएं। यदि आपने नए जियो कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और ये जो कुछ भी कहता रहे कहने देना है, कोई बटन प्रेस अभी नहीं करना है। अपने खोई हुई सिम कार्ड की सूचना देने के लिए जियो ट्यून्स PU के कोड की जानकारी और अपनी पसंदीदा भाषा को चुनने के लिए 6 दबाएं। अपील करने का तरीका जानने के लिए 7 दबाएं। दोहराने के लिए ये जो कुछ भी कहता रहे कहने देना है। अब यहाँ पे जब ये बंद हो जाए तो यहाँ पे आपको 1 दबाना है, ठीक है। 1 रिचार्जेस और प्लान्स के लिए 1 दबाएं। फिर से ये जो बोल रहा है बोलने देना है, ठीक है। जियो फोन डेटा आधारता की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अपने वाउचर्स के बारे में अधिक जानने के लिए 3 दबाएं। ISD इंटरनेशनल रोमिंग टॉप अप। वीडियो को पूरा देखना है और आप किस स्टेट से हैं, किस राज्य से हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। जियो भारत नए वर्क फ्रॉम होम पैक, जियो फोन 2021 ऑफर और जियो फाइबर के बारे में जानकारी के लिए 6 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। दबा देना होगा 9 अब आपको। कृपया प्रतीक्षा करें, जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। हेलो, नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत हूँ सतीश, आपसे किस प्रकार हेल्प कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये देख सकते हैं हमने कॉल लगा दिया है और आपके सामने विद प्रूफ कॉल यहाँ पे रिसीव भी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।